हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाएंगे दम आलू। तो चलिए, दम आलू के लिए हमें सबसे पहले, ये मैंने आलू लिए हैं जो नए आलू हैं। अभी सर्दियों के सीज़न में नया आलू आने लगता है। इनके जो छिलके होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिसको धुलते समय हाथ से घिस देने से निकल जाते हैं। तो मैंने ये छोटे छोटे आलू ले लिए हैं, ये आधा किलो के करीब होंगे। आधा किलो आलू ले लिए मैंने छोटे छोटे, इनको साफ कर लिया है धुल के और छिलके इनके निकल गए हैं। तो इन्हें हम सबसे पहले इनको एक कुकर में डालकर उबाल लेंगे। तो चलिए, हम कुकर में इसको डाल देते हैं जिससे कि ये उबल जाएंगे। इनको अच्छे से घस के धुल लेना है सारे आलूओं को, क्योंकि नए आलू हैं, इनमें मिट्टी भी बहुत लगी रहती है। इनको अच्छे से साफ करिएगा। ये देखिए, मैंने 1.5 कप पानी इसमें डाल के इसको उबलने के लिए कुकर को लगा दिया है। और हम गैस पे चढ़ा देंगे अब इसको। ये देखिए, हमारे आलू 1 सीटी में उबल जाएंगे। ये देखिए, 1 सीटी ली है, हमारे आलू उबल कर तैयार हो गए। अब इनको हम एक कांटे की सहायता से इसमें छेद कर लेंगे सारे आलूओं में। थोड़े थोड़े छेद सब में कर लेंगे। ये मैंने सब में छेद करके आलूओं को तैयार कर लिया है। चलिए, अब एक कढ़ाई में हम तेल डाल देते हैं। ये कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, इसमें हमको डीप फ्राई करना है आलूओं को। अच्छे से डीप फ्राई करना है सभी आलू। धीरे धीरे करके डालिएगा, एकदम से ऊपर से नहीं छोड़ना, नहीं तो तेल हाथ जल जाएगा उससे। अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक हमको इनको तलना है इसमें, और मीडियम फ्लेम में ही इसको तलना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं तलना है। धीरे धीरे इसको चलाते चलेंगे। देखिए, ऐसे इसको तल लेना है। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल के रख लेंगे। सभी आलू इसी प्रकार से हम तल लेंगे। ये देखिए, हमारे आलू तल गए हैं। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है बनने के बाद, सभी को बहुत पसंद आती है। ये देखिए, तल गए हमारे आलू। अब इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से तलना है इनको गोल्डन ब्राउन होने तक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ये देखिए, हमारे आलू गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हम इनको निकाल कर रख लेंगे। और वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा, स्किप कर बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो मैं जो भी बनाऊंगी और बीच में कुछ छूट जाएगा तो फिर आप कहेंगे बताया नहीं था मैंने आपको। इसलिए सभी चीज़ें बिल्कुल लाइन से पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। ये मैंने बाकी और जितने आलू रखे थे वो भी डाल दिए इसमें तलने के लिए। चलिए, जब तक हम अपने मसाले की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, आप जो तेल खाते हैं आप उसको डाल लीजिएगा। वैसे सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। इसमें मैंने जीरा डाल दिया, तेज पत्ता, लौंग, सॉरी 2 इलायची हरी वाली, दालचीनी, ये लौंग है 2-3, और थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे हम। सभी मसाले हमारे खड़े वाले यही डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा प्याज।
प्याज मैंने काट के रख ली थी पहले से, क्योंकि सभी चीज़ें अगर दिखाऊंगी मैं आपको तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप भी बोर होने लगेंगे। ये देखिए सारी प्याज मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने ये दो प्याज ली हैं बड़ी वाली, और तो बारीक बारीक काट लेना है। अच्छा, आप अगर पीस के डालना चाहते तो पीस के भी डाल सकते हैं प्याज को। अच्छे से भूनना है प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए अदरक लहसुन हरी मिर्ची तीनों मैंने एक साथ पीस ली थी, उसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर पहले डालते अदरक लहसुन तो वो क्या होता है कि जो अदरक रहता है वो चिपक जाता है कढ़ाई में नीचे, जैसे प्याज जलने लगती है, इसलिए मैं इसको प्याज में बाद में डालती हूँ। इस तरीके से हमें चलाते चलना है इसको, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनना है। ये देखिए हमारी प्याज भुन गई है। अब जो हमारे सूखे मसाले उनको डालेंगे हम। ये मैंने 1.5 चम्मच हल्दी डाल दी है छोटी चम्मच से, और इतना ही हम धनिया डाल लेंगे, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच वो भी डाला मैंने, और कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी। ये कलर के लिए होती है, सब सब्ज़ी में बहुत बढ़िया कलर आता है लाल मिर्च। मैंने इसमें तीखापन नहीं होता है, अगर आप तीखी वाली डालना चाहते तो डाल सकते हैं। इनको अच्छा से भूंज लेते हैं मसालों को। जब मसाले हमारे भुन जाएंगे तो मैंने ग्रेवी बना के रखी हुई है टमाटर की प्यूरी, उसको हम इसमें डालेंगे। चलिए हमारी प्याज मसाले सब भुन गए हैं, अब हम प्यूरी डाल देंगे टमाटर की। ये मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बनाई है, इसको भी हम चला के अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक के रख देंगे जिससे कि ये अच्छे से पक जाए, और जब तेल छोड़ने लगेगी तो हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से चला के चलिए हम इसको ढक दिए थे, हमने आपको दिखा नहीं पाया, ढक दिए थे। ये देखिए हमारी ग्रेवी बन गई है। चलिए तो इसको हम ढक देते हैं, अभी ग्रेवी हमारी अच्छे से पकी नहीं है, तो एक बार ढक देंगे, उसके बाद हम उसको देखेंगे खोल के कि अगर ये ऑयल छोड़ देगी ग्रेवी तो समझ लेंगे हम कि हमारी ग्रेवी पक गई है, इसकी यही पहचान है। चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, और मेरा वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से बनकर तैयार हो गई। अब हम इसमें जो हमारे आलू हमने तल के रखे हुए थे उनको इसमें डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, थोड़ा सा ग्रेवी के साथ इसको भूनेंगे। ये देखिए हमारे आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 कप पानी डालूंगी। अगर आप कम पानी डालना चाहते हैं, आपको ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी चाहिए है, तो आप थोड़ा सा पानी डालिएगा, बहुत मत डालिएगा। हमारे यहाँ थोड़ी इसकी पतली ही ग्रेवी पसंद करते हैं, इसलिए मैं पानी थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालना है। अब इसको मिक्स कर देंगे। देखिए ग्रेवी इस तरीके से दिख रही है बढ़िया सब्जी। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी से क्या होता है कि जो ग्रेवी वाली सब्जियां होती है इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, एक अलग ही उसमें महक आती है सब्जी में। तो चलिए अब इसको हम
थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे इसमें। ये देखिए गरम मसाला आधी चम्मच के करीब मैंने डाला है। अब इसको हम पकने देते हैं, ढक कर पकाएंगे इसको। इसको ढक देंगे एक प्लेट से और बस 2 से 3 मिनट इसको पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि आलू तो हमारे पहले से ही पके हुए हैं। ये देखिए हमारी दम आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई। अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। बहुत ही सुंदर दिख रही है सब्जी और टेस्ट में भी उतनी लाजवाब है। चलिए तो हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई। हम एक इसमें प्लेट में निकाल के रख देते हैं। अब आप भी बनाइए और सबको खिलाइए घर में, और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी दम आलू सब्जी कैसी बनी है। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।